काका, और कितनी देर लगेगी शहर पहुंचने में? बहुत जल्दी है तुझे शहर पहुंचने की। अरे छोरी, इंसान कितनी भी जल्दी करे, पहुंचता तभी है जब उसे पहुंचना होता है, और पहुंचता वही है जहां उसे पहुंचना होता है। सही बात सर। मैं बहुत खुश हूं काका, मैं हुकुम के पास जा रही हूं ना। हुकुम तो हमारे भगवान है। लगता है आजकल सुंदरनगर में फसल अच्छी हो रही है। नवेली, आओ हमारे साथ भीतर चलो। और बलवंत, दिन कैसे गुजर रहे हैं? हुकुम, हुकुम खुश तो दिन, हुकुम उदास तो रात। हुकुम, दीवान साहब ने एक कागजात भेजे हैं, कह रहे थे कि मास्टर दीनानाथ की बातों में आकर पीरगंज वाले आजकल हुकुम के खिलाफ आवाज उठाने की जुर्रत कर रहे हैं। शोर लहरों की आदत होती है बलवंत, और खामोशी चट्टानों की ताकत। लहरें आवाज तो बहुत करती हैं, मगर चट्टानों से टकराकर टूट जाती हैं। हुकुम, आप हुकुम दें तो मैं लाशें बिछा दूं। ये लाशें बिछाने की बहुत जल्दी पड़ी रहती तुझे, ऐसे कामों में जल्दबाजी नहीं, सब्र की जरूरत पड़ती है, समझा? हम जल्द आकर सब ठीक कर लेंगे। बलवंत, इस बार अंजलि भी हमारे साथ सुंदरनगर आ रही है। क्या कहा हुकुम? छोटी मालकिन आ रही है? हमारी बहन को हिंदुस्तान ही पसंद नहीं, विलायत में घर बसाना चाहती है। अपनी माटी एक बार छोटी मालकिन के पांव पकड़ेगी तो छुड़ाना मुश्किल होगा उनके लिए। हुकुम, कब तक रुकेगा? पहली गाड़ी से चला जाऊंगा। हुकुम, शहर तुझे अच्छा नहीं लगता। बलवंत को अच्छा क्या बुरा क्या, मालिक का हुकुम ही उसकी जान है। हुकुम, तेरी आंखें हमारे निजाम की निगहबान है बलवंत, जा खुश रह। हुकुम, हुकुम, सुंदर, अति सुंदर, क्या नाम है तेरा? गंगा। गंगा, गंगा जो पहाड़ों की अजीम ऊंचाइयों से गिरती है और मैदानों की प्यास बुझाती है, मगर ठाकुर दिग्विजय सिंह की प्यास बुझाने के लिए गंगा के अमृत में थोड़ी सी शराब मिलानी पड़ती। हुकुम, ये क्या कर रहे हुकुम? हुस्न की पूजा, खूबसूरती की इबादत। हुकुम,
छोड़ दीजिए। छोड़ दूं? ये लो। कसम घुंगरू के जनकार की, बहुत जल्दी में है मेरी उर्मिला, हिसाब तो देती जा। मुफ्त में औरतों की कमाई खाता है, कीड़े पड़े तुझे, ले डल्ले। ये तो सिर्फ 200 है मेरी मनीषा कोरेला। तो क्या 2000 मिलेंगे? कस्टमर ने 400 दिया था, उसका आधा तो हुआ 200। और वो जो 300 रुपया कस्टमर ने तेरे को टिप दिया था, उसका आधा 150 का क्या हुआ मेरी श्री देवी? चलो बे, टाइम मत खराब कर, जल्दी से माल निकाल मेरी जूही चावला। हाँ ले हरामी, चल दे भाग यहाँ से। ओए ओए बलवंते, वाह वाह वाह, कब आया तू? आज शाम की गाड़ी से। चल अंदर आजा आजा, अब की बार क्या लेकर आया है? ठाकुर का कोन्या प्रसाद, कसम घुंगरू के जनकार की, तेरा ठाकुर भी कमाल का है, कमाल का। जब जी चाह ऐश की और जी भर गया, अपने शिकार को बाजार की रौनक बनने के लिए भेज दिया। तेरा साला ठाकुर भी बहुत ना लख्या ना, हुक्म के खिलाफ एक लफज भी ना, काट डालू। अरे अरे मेरे भाई, मैं तो मजाक कर रहा था। मजाक में भी ना, हुक्म के खिलाफ मजाक में भी ना। अरे अरे मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, एक काम कर, थोड़ी शराब पी ले। अच्छा एक बात तो बता, गाँव में सब ठीक है ना? वो भाभी कैसी है, है? तेरा बेटा ढोलू तुझे बहुत याद करे है। ढोलू छोरा भगवान बराबर पूजे है तुझे, तेरे ही सपने देखे है दिन रात, ले दे के तेरे सिवा कौन है उसका। बलवंते ये जो जिंदगी है ना, जिंदगी एक बेशिया बेशिया, एक बार जिसके कोटे चढ़ गई फिर ना उतरी। देख तू ठाकुर के शिकारों को मेरे दरवाजे पे छोड़ जाता है, और मैं उसके टुकड़े टुकड़े करके बेचता फिरता हूँ, ना दिन का पता चलता है ना रात का। अच्छा छोड़, ये बता तेरा बेटा कैसा है? करन वो तो पूरा लट हो गया है नौलखे, मुझसे भी एक हाथ ऊपर निकला है। पहले नजर उठा के बात करता था, अभी नजर मिला के बात करे है। भगवान ने सींग नहीं दिए उसे, ससुरा सांड है सांड। कन्ने गांव की गोरियां, मुआ दिन भर मटकियाँ फोड़े हैं, आज तो सारी जवानी उतार ली है। जय बम बोले, रुक जाओ। माफ कर दे बेटा, हम तो मजाक कर रहे थे तेरा। गांव में तुझसे मजाक नहीं करे तो किससे करे लल्ला, हमें माफ कर दे। पहले नागराज को खुश करो देवियो, नागराज खुश होंगे तो जाने देंगे, नहीं खुश होंगे तो डस लेंगे। नागराज को खुश करने के लिए क्या करना पड़ेगा? भाभी तुझे दूध पिलाना पड़ेगा। नहीं ढोलू, इन्हें नाचना पड़ेगा। चलो मेरी चाचियों मौसियों एक तरफ, भाभी दूसरी तरफ, और गांव की सब गोरियां मेरी तरफ। तुम नाचोगी और मैं बजाऊंगा ढोल, चल घूंघट के पट खोल। ए जमुना चाची, चाची कहाँ है? अरे कलमुए, मैं तेरी माँ जैसी हूँ, तू मुझे नचवाएगा क्या? नहीं नाचेगी मौसी, तो ये तेरा पल्लू उठाएगा और नागराज के दर्शन करा देगा।
हाँ हाँ भाभी हाँ हाँ कन्ने 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 इनको बोलना वो सिनेमा वाला नाच दिखाए ना, बोलना बोलना। दिखाएगी ढोलू, दिखाएगी नागराज के लिए सब कुछ दिखाएगी। देख देख करने, देख तू हद से बढ़ता जा रहा है। अब हाँ, अगर मेरे नागराज अपनी हद से आगे बढ़ गए तो तुम सबका हो जाएगा तारा रारा। तो बोलो करने, तेरी माँ कन्ने, माँ तेरी माँ। अरे पर क्या, अभी इतना नचाया इतना नचाया कि मेरी सास को पता चलेगा तो घर में घुसने नहीं देगी। हाँ मेरे घर में आ जाना। तू चुप कर। अरे हमारे मर्दों को पता चला तो तलाक देंगे तलाक। तो इस उम्र में हमसे शादी कौन करेगा? मैं हूँ ना। तू चुप करता है कि? अरे रुक्मणी बहन, ऐसा ही झाट पैदा करना था तो बात के रखती, खुला क्यों छोड़ी? माँ ये लोग झूठ बोलते हैं, झूठ। ये लोग मुझे आके बोले कि हमारे साथ सिनेमा वाला नाच नाचो। अच्छा, अब कोई बला आके खुद ही गले पड़ेगी तो क्या करेगा ये बेचारा गरीब? मुझे सिखाता है, मेरे पेट का जला है अच्छी तरह जानती हूँ तुझे। चल नीचे उतर। उतर मारेगी तो नहीं? मारूंगी नहीं, तेरी आरती उतारूंगी। चल नीचे उतर। तेरी ये रोज रोज के तमाशे देखने से तो अच्छा है कि भगवान मुझे उठा ले। करते रहना जो जी में आए वो, न मैं होऊंगी न ये तमाशे देखूंगी। ए माँ, मारना है तो मार ले, लेकिन ऐसी उल्टी सीधी बात मत करना। ले भाभी। अरे माँ, माँ, अरे माँ, अरे माँ, काय को मारती है? फोड़ेगा मटकिया, फोड़ेगा। हाँ, करेगा इनको तंग, करेगा। हाँ, क्या मारू इसे, पत्थर का शरीर है, लकड़ी भी टूट जाती है। ये ले काकी दूसरी लकड़ी ले। ए ढोलू, पिन पैंदे के लोटे। शर्म नहीं आती, माँ को रुलाता है देख। रुलाते तो क्या हुआ, अभी हंसा देता हूँ। नहीं हंसता मुझे। हंसना तो पड़ेगा माँ। नहीं, नहीं करना तो पड़ेगा। ओ तेरा बिटवा जवान होई गवा, रे माँ मेरी शादी कराई दे। अरे ए छोड़ 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 ना बुद्धू। अरे माँ, खाने से ज्यादा तो तेरी उंगलियों में कुछ है, कौन सा मसाला डालती है? रहने दे रहने दे, बहू आएगी ना तो सब भूल जाएगा। अरे माँ, मैं तो फिर भी प्रार्थना करती हूँ कि जल्दी से बहू आए, वही तुम बाप बेटे को ठीक करेगी। अरे माँ, मैं बहू थोड़ी ना, मेम लाऊंगा मेम। एक नहीं दो दो लेके आना। चुप, पहले बोल गोप गोपंगम दास। अरे छोड़, पहले मुझे बता तू क्या मेम लेके आने वाला है? और क्या, तू समझती क्या अपने करने को? क्या समझू करने को, वो तुझे ना दो ही दिन में आदमी से ऊंट बना देगी। ऊंट? देख माँ, अब ऊंट बनाए या कुछ, लाऊंगा तो मैं मेम ही। मेम लाएगा? ठहर तो बताती हूँ, मेम लाएगा, बोल तो मेम लाएगा। देख मैं तुझे ना, देख माँ, देख देख देख, एवा कहाँ जा रही है? माँ, माँ, एवा, एवा, बाबा, एवा, बापू आ गया, बापू आ गया। ए, क्या ऊंट की तरह दौड़ लगा रहा है तू? ये क्या, 10 रोज बाद आए हो शहर से, न कोई खोज न खबर, यहाँ रहकर हमें चिंता। चुप कर, वकीलों की तरह सवाल जवाब मत कर। तेरी दुनिया चौकट के अंदर है, चौकट के बाहर मैं क्या करता हूँ इसका तेरे साथ कोई वास्ता नहीं है। करने, अपने बापू को बोल के हाथ मुंह धो ले, मैं खाना लगाती हूँ।
सब क्या है भाई? बंदगी। How foolish. एकदम विलायती मेम लगती है कन्ने। काकी काकी तू मेरी इससे शादी करा दे ना। ढोलू, कौवे को मोती नहीं चुगाए जाते। अरे मैंने इसे कब कौवा कहा है? ए? अरे चुप मरो दोनों, चुप करो। आज के दौर में भी ये सब चलता है, आई कांट बिलीव इट। अंजलि, यहाँ कभी ना कुछ खत्म हुआ है ना होगा, खासतौर से दौलत, ओहदे और ताकत के सामने सर झुकाने की आदत। और फिर गरीबों की हड्डियां तो पैदाइशी झुकी हुई होती हैं, जब तक ये झुके हुए हैं हम इनके भगवान हैं। तुम लोग उधर जाके बंदोबस्त करो। अच्छा बलवंत काका, सुनिए जी। क्या? जरा हुकुम से बात करिए ना करने के लिए, उनकी नजर के सामने रहेगा तो इसकी भी किस्मत चमक जाएगी। अच्छा अच्छा, चल आ जा मेरे साथ। काका काका, मैं भी तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा। क्या जरूरत है काकी? मैं बात करूंगी ना। इस बार आपने जो अस्पताल बनाने के बारे में सोचा है उसके लिए हम सब लोग आपके आभारी हैं। ये गांव हमारा भी तो है, हमने तो अपना फर्ज निभाया है मुखिया। हुकुम। बलवंत, कौन है ये? हुकुम, ये मेरा बेटा है करण। कद काट से तो बिल्कुल तेरे पे ही गया है। आपकी छत्र छाया में रहेगा तो ये भी। अच्छा अच्छा, तू इसे अपनी छोटी मालकिन की चाकरी पे लगा दे। अंजलि के लिए जगह नहीं है, करण उसका ख्याल रख लेगा। हुकुम। गांव के सांप बहुत जहरीले होते हैं, इनसे खेलना बहुत खतरनाक होता है। वो खेल ही क्या जो खतरनाक ना हो, लेकिन तुम कौन हो? मैं करण। हुकुम ने मुझे आपका ख्याल रखने के लिए भेजा है। मेरा ख्याल रखने के लिए? So cute, I like it. जी मैं समझा नहीं। समझ जाओगे। हुकुम, वो पीरगंज वाला मामला है ना, बहुत बिगड़ता जा रहा है। वो मास्टर है ना, वो हमारी भाषा समझता ही नहीं। हुकुम, इससे पहले कि भैंस पानी में चली जाए। अरे अगर समझ नहीं रहा है तो समझा देंगे। साले को मारूंगा कम, कसीटूंगा ज्यादा और फाड़ के गले में डाल दूंगा। हुकुम आप हुकुम करें। अरे दरोगा जी, ये मामला इतना आसान नहीं है, वरना हम आपसे पहले ही कह देते। हुकुम, इसके लिए तो कोई दूसरा तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा। जमीन तो हमारी ही रहेगी। जमीन उसी की होती है जिनके हल चलते हैं, उनकी नहीं जो उन पर हल चलाते हैं। बलवंत, जा फतेह कर। हुकुम।